हैलो एंड वेलकम टू द महाराष्ट्र क्लास ट्वेल्व एच एस सी इंग्लिश कोर्स आउटर वी विलो विद नाव आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने इसकी मूवी देखी है अगर नहीं देखी है आई एम नॉट टू श्योर कि अगर YouTube पे अवेलेबल है या नहीं लेकिन अगर अवेलेबल है कहीं पर भी तो सर्व विद लव मूवी को जरूर देखिए मुझे याद है जब मैं स्कूल में था हमको स्कूल से लेके गए थे थिएटर में टू तो सी दिस मूवी सो इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग मूवी Uh, इसका एक पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट है आपके सिलेबस में आई वुडंट से कि ये सबसे इंटरेस्टिंग एक्सट्रैक्ट है ये कतई सबसे इंटरेस्टिंग एक्सर्प्ट फ्रॉम द नहीं है इसके कई सारे इनफैक्ट आई वुड हैव प्रेफर्ड कि इसके शुरू के भाग से आपको कोई पैसेज या एक्सट्रैक्ट दिया जाता बिकॉज वहां पे एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स व्हिच मेक्स फॉर वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग जो कि इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट में नहीं है नाउ वॉट आई वुड वॉन्ट टू डू इज टू फर्स्ट टॉक अबाउट जिसकी जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं ई इर ब्रेथ्वेट यूस्टेस एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट अगर आप ई आर ब्रेथवेट लिख लेंगे दैट विल बी परफेक्टली एक्सेप्टेबल नाउ ही वॉज बॉर्न इन गयाना गयाना एज इन वेस्ट इंडीज सिंस यू विल बी मोर फेम्यूलर विद क्रिकेट एंड ही वॉज अ ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट टीचर डिप्लोमैट और बेसिक थीम इस पर्टिकुलर नॉवल का क्या है वो है रेसिजम यानी कि मैन ऑफ कलर दैटिटिकली करेक्ट वे ऑफ से नहीं कह सकते कि वो काला है नो दैट इज पोलिटिकली इनकरेक्ट हमेशा ध्यान रखिए यू कैन नॉट एज यंग सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड यू कैन नॉट यूज टर्म्स विच आर विच विन एज पोलिटिकली इनकरेक्ट कि एक तरह से उस उस तरह की बातचीत को अपनी बोलचाल में अगर आप उसको यूज करेंगे तो वो सही नहीं होगा स्पेशली इफ यू गो ऑन टू वर्क आप बाहर के किसी देश में जाके काम करते हैं तो इस तरह की भाषा का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं ओके okay? इस बात का ध्यान हमेशा रखना ओके सो यू से ही इज अ मैन ऑफ कलर राइट वी आर ऑल्सो मैन ऑफ कलर राइट वी आर ऑल्सो इंडियन आर ऑल्सो मैन एंड ऑफ कलर राइट वी आर नॉट वाइट इन दैट सेंस सो सिंस ही वॉज अ मैन ऑफ कलर यानी कि उनके बिकॉज uh, ऑफ जिस तरह के रंग के वो व्यक्ति थे उसकी वजह से उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया गया नौकरी मिलने में उनको काफी मुश्किल आई और इस इन सभी बातों का इस पूरे नॉवल में जिक्र है आपके इस एक्सट्रैक्ट में स्पेसिफिकली नहीं है लेकिन आपको थीम ऑफ रेसिज्म के बारे में जानना जरूरी है ओके देन देर इज अ थीम ऑफ बुलिंग द थीम ऑफ डिस्क्रिम आई मीन Harassment. क्योंकि जब वो स्कूल में आते हैं स्कूल में नौकरी के लिए आते हैं टीचर की नौकरी के लिए तब वहां के जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं बॉयज एज वेल एज गर्ल्स बिल्कुल राउडीज वो उनकी उन उनके लिए काफी मुसीबतें खड़ी करते हैं और ये सब बातें नॉवल के पहले भाग में आती हैं जो कि आपके एक्सट्रैक्ट में नहीं है ओके सो वॉट आई वुड सजेस्ट यूज टू काइंड ऑफ यू नो नोट डाउन रीड द थिंग

लिखे हैं सो so, इसमें से जो भी मैं इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं उसको आप अपनी किताब में नोट कर लीजिए या आपके किसी नोटबुक में भी आप लिख सकते हैं नाउ ही वॉज नाउ ये समरी है पूरे नॉवल की समरी है ओके सो ब्रेथवेट ही वर्क एज एन इंजीनियर इन एन ऑयल रिफाइनरी एंड देन ही सब्सिक्वेंटली गोज ऑन टू वर्क इन द ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स इन दी वॉर ओके सो जब तक वो एयरफोर्स में काम करते थे उनको काफी रेस्पेक्ट की नजर से देखा जाता था लेकिन आफ्टर दी वॉर

He applied to a school to work as a teacher, right? And he was accepted at the Green Slate School, ye school, ka naam rakhe, which is in London's East End. Okay. And he said to see, teach the senior classes at the school. So that is what he is doing. Now, while reading the novel, Dusri ye Yehe, ki par ye ghatna sabhui. So he says that even though he considers himself British, unke man me British citizen home, right? और मैंने रॉयल एयरफोर्स में भी काम किया है लेकिन ये जो बात लिखी है दिस इज मैन ऑफ कलर राइट सो दिस बेटर उनको एक तरह से दुख होता है गुस्सा आता है आई I मीन mean एक तरह से यू you नो know, कटुता है उनके मन में क्यू नो you know, कि मेरे खिलाफ डिस्क्रिमिनेट इसलिए किया जाता है क्योंकि मैं रंग से उनके रंग की तरह नहीं दिखता हूं मैं व्हाइट नहीं हूं आई एम नॉट फेयर स्किनड राइट सो दैट इज व्हाट ही फील्स बेटर अबाउट द इंग्लिश एंड कॉलोनिज्म एज़ वेल एज़ हिज व्हाइट स्टूडेंट्स हु आल्सो हरास हिम दे बुली हिम नाउ नोवेल अगर आप पढ़ें अगर आपके पास समय मिले या मूवी जरूर देखें तो वहां पे आप देखेंगे कि पहले के दिनों में उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है

शोर शराबा और शरारत करना ओके सो देन उससे कुछ फायदा होता नहीं है उस तरह के एक गुस्सा करने से ब्रेथवेट को फायदा नहीं होता है सो वॉट ही डस इज टू देन चेंज स्ट्रैटेजी, और इस स्ट्रैटेजी से उनको सफलता मिलती है बिकॉज ही सेज दैट एवरी गर्ल विल बी रेफर टू एस मिस एंड एवरी एंड द स्टूडेंट विल सर राइट विच इज वाई द टाइटल टू सर विद लव राइट सो

दे कंप्लीटली चेंज बोथ देअ हाइजीन यानी कि थोड़े साफ सुथरे भी रहने लग जाते हैं दे स्टार्ट बिकमिंग मोर क्लीन एंड मार्क्स दिससेस राइट सो दिस इज इंपॉर्टेंट ओके देन बाहर लेके जाता है नॉवल में और बहुत कुछ बट द बिगिनिंग पार्ट ऑफ द नॉवल इज रियली द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट बिकॉज देर इज अ कॉन्फ्लिक एंड हाउ ही रिजोल्व दैट कॉन्फ्लिक

प्रेजुडिस प्रेजुडिस का मतलब कि आप दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और इस तरह से आप बर्ताव करते हैं इस तरह से आप बिहेवियर करते हैं कि इट शोज ए सर्टन दी अदर पर्सन राइट सो इट शोज प्रेजुडिस और तीसरा है दैट ऑफ पुलिंग द थीम ऑफ पुलिंग ओके सो ही गेट्स ए जॉब इन ए राधर रफ एंड नोटोरियस को हालांकि जिस excerpt के हमने बात की है उसमें ऐसा कुछ पता नहीं चलता है कि वो रफ या notorious है, because वो novel के कुछ आगे के भाग से वो excerpt लिया गया है। so ये वाला जो पैराग्राफ है इस पर आप ध्यान दीजिए। टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच टू सर्व the इज ऑफ प्राइमरी सिग्निफिकेंस इन द thing, राइट सो सब आपके excerpt में नहीं है बट आप अगर इस पूरे नॉवल की कहानी को समझेंगे तो आपके आंसर्स में लिखने में भी उतनी ही आसानी होगी ओके सो दैट इज व्हाट सो इस पर्टिकुलर जो थीम्स है इसको पूरी तरह से पढ़ लीजिए ताकि आपको थीम ऑफ प्रेजुडिस रेसिज्म एज वेल एज बुलिंग के बारे में पूरी तरह से समझ में आ जाए यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग वी विल नॉट गो थ्रू द दिनॉपिस क्योंकि मैं सीधा नॉवल पे जाऊंगा जो एक्सर्प्ट लेट्स गेट स्टार्ट अब जो एक्सेप्ट यहां पर है उसमें बात की जा रही है प्राइमरी तौर पर एक स्टूडेंट काउंसिल की हाफ ईयरली रिपोर्ट के बारे में वट डज इट मीन द सिस्टम इज दैट स्टूडेंट्स विल प्रेजेंट कि इस पिछले छे महीनों में हाफ ईयरली छ महीनों में स्कूल में हमने हिस्ट्री में क्या सीखा जियोग्राफी में क्या सीखा राइट डिफरेंट सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन में क्या किया सो सभी प्रेजेंट अ रिपोर्ट एंड इफ दे हैव एनी काइंड ऑफ रिमार्क्स और क्रिटिजम देन द टीचर्स विल ऑल्सो कम ऑन टू द स्टेज एंड रिस्पॉन्ड टू दो सो दैट इज दिस्टम विच इज देर सो द हाफ इली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल

सो इट वॉज एंटायरली देयर डे यानी कि उनका दिन था सब कुछ बच्चों ने करना था उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ओके अरेन्ज प्रेजेंटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टूडेंट्स I observed the activities of my class. मैंने अपने स्कूल के जितने मेरे क्लास के जितने भी बच्चे थे वो क्या क्या कर रहे थे उनको जरा ध्यान से देखा uh, As they prepared for it, noting with pride. और ये इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने कहा ये एक्सेप्ट उस नोवेल के दूसरे भाग से लिया गया है नॉट द पहला भाग जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो अभी तक बच्चे थोड़े वेल well मैनर्ड हो गए हैं ओके, तो मैंने इस बात को काफी गर्व से ये देखा कि जिस तरह से वो तैयारी कर रहे थे इस पूरे इवेंट की तैयारी वो किस तरह से कर रहे थे सो नोटिंग विथ प्राइड ही वॉज नोटिंग विथ प्राइड द बिजनेस लाइक वे

ensuring that each one was ready to play his or her part right so miss joseph and denham were the two people who were responsible for ensuring kisabhi tikse baje baji everybody trooped trooped ka, you know when you use the word troop troop

Because he himself has been part of the Air Force so he's part of his you know regular way of talking okay they trooped into the auditorium to sit together in class yani ki wo line may occur they sat together in the classes. Miss Joseph and Denham, the two most senior students sat on the stage okay one on each side of Mr. Florin who is the principal who as soon as everyone was seated and silent stood and addressed the school he spoke at length. length, the the aims and policy of the school and of the important contribution each child could make to the furtherance of those aims. Furtherance का मतलब जो है स्कूल का हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल का टॉपर आए राइट तो मैं क्या चाहूंगा कि स्कूल के स्टूडेंट्स भी उस बात में मेरे साथ cooperate करें टीचर्स कॉपरेट करें पेरेंट्स कॉपरेट करें ताकि हमारे स्कूल से टॉपर निकले राइट सो so, of ऑफ दो

बिहेवियर है उसमें काफी इंप्रूवमेंट की अभी भी जरूरत है साफ-सुथरेपन में भी काफी जरूरत है इंप्रूवमेंट की एंड जिस तरह की यू नो नॉलेज जानकारी ज्ञान बटोरने की जरूरत है उसमें भी कुछ काफी कुछ काम करने की जरूरत है सो ही सेइंग ही इज नॉट सेइंग दैट वी आर ऑल 100% देयर फैंटास्टिक नो ही सेइंग वी आर देयर वी आर देयर समथिंग लाइक 60% 70% और भी 30 40% काम करने की

प्रिंसिपल को कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा नहीं है ही इज वेरी विद द एक्टिविटीज ऑफ एवरी स्टूडेंट इन द स्कूल राइट ही देन विश सक्सेस विद द काउंसिल मीटिंग एंड लेफ्ट द स्टेज टू ट्रेमेंडस तालियां बजी उन्होंने कहा कि तुम अच्छी तरह से स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग कंडक्ट करो और निकल गए व्हाई डिड द प्रिंसिपल लीव बिकॉज इट वाज टू बी कंडक्टेड बाय द चिल्ड्रन द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स एंड अगर प्रिंसिपल होंगे तो यू नो ही विल बी द सेंटर स्टेज व्हिच ही डिड नॉट वांट टू बी things now moved quickly into gear first miss joseph stood up and gave a short explanation of the council's purpose and its activities so aapko apni notebook mein ek kaam karo har character ne kya 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 kaha uske bare mein keywords likh do पूरा लिखने को नहीं बोल रहा Keywords की वर्ड लिख दो ताकि आप खुद लिखेंगे आपको बिकॉज इसमें इतने सारे स्टूडेंट्स के कैरेक्टर्स हैं कंफ्यूज होने के चांसेस हैं तो आप एक एक लिखिए जोसेफ को ब्लू पेंसिल से लिखिए बाकी ब्लैक पेंसिल से लिखिए ताकि यू नो इट स्टैंड आउट इन विजुअल मेमोरी जब आप एग्जाम के एक दिन या दो दिन पहले रिवाइज कर रहे हैं सो मिस जोसेफ शी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द काउंसिल काउंसिल करना क्या चाहता है क्या उसकी एक्टिविटीज होंगी एंड ईच क्लास वुड रिपोर्ट थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव सो हर क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा ऑन द स्टडीज ड्यूरिंग द हाफ ईयर जो मैंने पहले कहा विच बिगेन आफ्टर ईस्टर रिप्रेजेंटेटिव हैविंग बीन चोजन फॉर ईच सब्जेक्ट राइट when all the classes had completed their reports, a panel of teachers would be invited to occupy the stage, जो मैंने आपको शुरू शुरू में बताया, and answer questions from the body of the hall, यानी कि सभी students के किसी भी student का कोई भी doubt होगा, uh, madam ये world history में हमको ये भी पढ़ना है क्या ये syllabus में है क्या, अगर आपको पूछना है तो आप history teacher से पूछ सकते हैं, वो उसका जवाब देंगी, okay? Uh, on matters arising out of the various reports कि हमने अभी तक इतना कुछ नहीं पढ़ा है सिलेबस सिर्फ 40% कंप्लीट हुआ है क्या हम विंटर ब्रेक तक पूरा पढ़ लेंगे doubts of those kinds right the selection of the panel as with everything entirely was at the discretion because children had decided would decide uh, the panel uh, कि and no members of the staff knew which how many or which teachers would be invited to sit यानी कि स्टूडेंट्स डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीचर्स को इनवाइट किया जाएगा स्टेज पे आफ्टर देयर रिपोर्ट टू आंसर द क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट्स ओके सो ये पूरा पूरा दारोमदार किस पर है स्टूडेंट्स पर है द रिपोर्ट्स बिगन विद द लोएस्ट और द विदेस्ट क्लास फर्स्ट सो प्राइमरी सेक्शन से शुरू हुआ दे वर मेनली 12 ईयर ओल्ड्स 12 साल के बच्चे हु वो जॉइंड द स्कूल द प्रीवियस समर मोस्ट ऑफ देम वर शाई सिंपल लैंग्वेज है मुझे नहीं आई I मीन mean, इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ये थोड़े से शर्मीले थे थोड़े डरे हुए थे राइट बिकॉज स्टेज फ्राइट होता है ना आप स्टेज पर जाके आपको बात करनी है तो थोड़ा सा डर तो हमेशा लगता है आई डोंट नो कितने आप में से कितने लोग पब्लिक स्पीकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं लेकिन पब्लिक स्पीकिंग आई मस्ट टेल यू इट इज अ स्किल दैट ईच वन ऑफ यू शुड हैव बिकॉज तो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में इसकी काफी जरूरत पड़ेगी इवन इफ यू डोंट हैव टू स्टैंड ऑन स्टेज अगर आप किसी कंपनी में कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं राइट right? अपनी टीम की तरफ से आपको बोला जाता है कि बेटा तुम बेटा नहीं बोलेंगे तुम जाके प्रेजेंटेशन करो बॉसेस के सामने तो बॉसेस बैठे हैं चार लोग या बोर्ड के मेंबर्स बैठे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि तब आपके पैर यू नो कांप रहे हैं नो सो अभी से अगर आप पब्लिक स्पीकिंग की आ, का अभ्यास करेंगे तो आपको मदद मिलेगी उस समय पर प्रोफेशनल एटमोस्फेयर uh, में आप डरेंगे नहीं आप किसी तरह से संकोच नहीं करेंगे आपको किसी तरह का यू नो भय नहीं लगेगा एक तरह से शर्म नहीं आएगी एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड ऑलवेज शो इन योर बॉडी लैंग्वेज आई ऑलवेज से यू नो देर समीपल हाथ पैर करके भरतनाट्यम कथकली करते रहते नहीं दैट इज नॉट द वे बिकॉज दैट विल शो मोर नर्वसनेस You can show your hands the way I am showing. You can show your hands, but the actual movement should be done by the shoulder. I always say this to students who who I teach public speaking that shoulders are very important when you are actually uh, standing in front. You should not, your posture should not be like, you know, Tum thode se ho. Your, your body language should convey a lot of self confidence. There should be an element of humor. Uh,

जानकारी को प्रेजेंट करना है या किस तरह से जानकारी लेना है दे वर नॉट यूज टू ऑल दैट उसके बाद आगे चलते रहे बड़ी क्लासेस का समय आया राइट right? और जैसे जैसे बड़ी क्लासेस का समय आया दे वर डूइंग बेटर बिकॉज ऑब्वियसली उनको ज्यादा uh, अनुभव था एक्सपीरियंस था रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करने में राइट मच ऑफ द दर्क वॉज एलिमेंट्री यानी कि काफी बेसिक था एंड टू देम इट लूम लार्ज बिकॉज दे अंडरस्टूडेड इट्स रिलेशनशिप टू देस कहने का मतलब यह है

हमको ये समझाया गया मैं हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेता हूं वर्ल्ड हिस्ट्री में, में हमको ये समझाया गया लेकिन हमको समझ में सिर्फ इतना आया तो बाकी का थर्टी परसेंट हमको समझ में नहीं आया सो दे वर एबल टू फोकस ऑन दैट विच इज विच शोज ए वेरी यू नो सॉर्टेड काइंड ऑफ अ माइंड व्हेन द टर्न ऑफ माई क्लास की नाउ ही टॉक्स अबाउट हिज क्लास आई अप एंशियसली बिकॉज ये पढ़ा रहा है पता नहीं क्या मेरे बारे में बोलेगी From the list he held in his hand, Denham called out the names of the representative together with the subjects on which they would report. Potter would talk on arithmetic, mathematics. Sapiano would talk about nature studies, i.e. Yani environmental studies. Miss Pegg and Jackson together would talk about geography. Miss Dare and Fernman will talk about physiology. Miss Dodd would talk about history. Miss uh, Denham would talk about PT and games. Miss Joseph about domestic science.

आप इस सिनोनिम का यूज कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं एम्युलेट का मतलब है कॉपी मत लिखिए राइट कॉपी का मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है लेकिन अगर आप एम्युलेट लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा दैट इज यू आर काइंड ऑफ फीलिंग गुड ओ बड़े स्टूडेंट ने सीनियर स्टूडेंट ने मिस करके बुलाया तो हमको भी वही टर्म यूज करना चाहिए बिकॉज इट इज एप्रिशिएटेड बाई कमेंडेबल ग्रेविटी ग्रेविटी मतलब गुड ओके कमेंडेबल मतलब जिसके की तारीफ की जाए राइट जो कि तारीफ के काबिल है मिस जोसेफ देन गेव ए शॉर्ट एड्रेस स्पीच

अलग अलग प्रांतों से आ सकते हैं लेकिन उनमें एक तरह क्या इंटरकनेक्शन हमेशा रहता है हालांकि वो अलग रंग के हैं अलग यू you नो know, रेस के आते हैं यू नो कास्ट क्रीड रिलीजन एवरीथिंग इज डिफरेंट और उसके बाद उन्होंने पॉटर को बुलाया पॉटर टॉक्ड अबाउट द मैथमेटिक्स सिलेबस की मैथमेटिक्स का ही बोला था ना उसने हाँ मैथमेटिक्स सिलेबस की वेट्स एंड मेजर्स के बारे में रिलेशनशिप बिटवीन किलोग्राम एंड द दाउंड मीटर एंड द फुट वो सब उसने बताया वर्ल्ड मैं आपको फिर से बता रहा हूं आप अपने नोटबुक में किस स्टूडेंट ने क्या बताया किस बात पर बात किया सब्जेक्ट एंड वॉट डिड ही और शी टॉक अबाउट उसके बारे में आप लिख लीजिए आपको आसानी होगी रिवाइज करने में आई एम डेलिबरेटली आस्किंग यू टू डू इट इंस्टेड ऑफ माई राइटिंग द सेम बिकॉज इट विल बी ईजी फॉर यू बिकॉज आप लिखेंगे पॉटर ने ये कहा किलोग्राम एंड पाउंड के बीच में मीटर एंड फुट के बीच में सो इफ यू राइट योर रिटेंशन दैट मच बेटर इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग वट आई एम राइटिंग राइट सो दिस तरह का फैक्चुअल डिटेल्स आई वॉन्ट यू टू डू इट योर सेल्फ homework." He योर that throughout ही world, one or other of those two methods. In fact, you can post it as a take a shot ज ए पीडीएफ छोटा पीडीएफ जिस तरह के एंडेडिंग ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि आपने किस तरह से किया है ओके वी कैन ऑल एम्यूलेट अन अदर पर्सन इफ द अदर पर्सन एज डन इटवेल्व या संबड़ी में कम की मैंने इससे भी अच्छी तरह से अच्छा, अच्छे तरीके से लिखा है सो यू कैन ऑल्सो अंडस्टैंड आई वॉन्ट दैट कॉपरेशन टू बी हियर एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स He said that's always a speciality of SWS. He said that throughout the world, one or other of those two methods was either in use or understood, and that it was a symbol of greater understanding, which was being accomplished between people. He, you know, he was talking about different methods, mathematical methods that were used, which were used in different parts of the world. Sapiano spoke about the peep study the class had made of pes, right? Because he's talking about nature study, right? Peska means, you know, uh, especially black rot on wheat, uh, ke mein, ball weevil on cotton, please write all these details, and Colorado beetle on potatoes. He showed how many countries had pooled their knowledge and results of research on the behavior, breeding habits, and migration of these pests and were gradually reducing the threat they represented to these important products. So he's talking about all that is happening. Kitunya me kya kya ho hai ki, you know, they were kind of able to uh, do the research. इन कीड़ों पर एक तरह से रिसर्च करके उनके बिहेवियर पैटर्न्स को समझ के देन दे वर एबल काइंड ऑफ रिड्यूस द थ्रेट कॉस्ट बाय द पेस्ट आके आलू को या गेहूं को या किसी भी uh, खेत में फसल को काट लेंगे आई I मीन mean, uh, खा लेंगे सो इट विफेक्ट दिल राइट सो दैट इज समथिंग विच नो फार्मर विल वॉन्ट मिस पेक एंड जैकसन डिवाइडेड द रिपोर्ट ऑन जियोग्राफी बिटवीन दम जैक्सन स्पोक फर्स्ट अबाउटीब्यूशन ऑफ मिनरल डिपोजिट याद है पढ़ा होगा आयन एंड मिनरल रिसोर्स का जो चैप्टर था ओवर द दर्थ सर्फेस हाउ ए कंट्री रिच इन डिफिशियंट इन दी अदर एंड द इंटरचेंज एंड इंटरडिपेंडेंस विच इनोटिवली फॉलो जोग्राफी यानी कि दुनिया के बारे में प्रॉब्लम एंड हाउसिंग इट्स पॉपुलेशन तो पूरी जनसंख्या के बारे में मिस ने बात की तो मिस ने refugees. Refugees मतलब जो कि अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं या एक प्रांत को छोड़ के दूसरे प्रांत में चले जाते हैं तो एक तरह से हैव लेफ्ट देयर ओरिजिनल होम स्टेटलेस एंड अनवॉन्टेड यानी कि तो दूसरे देश में Refuges, लेकिन जैसे यहां पर बांग्लादेश से कई लोग आते हैं तो उनको बांग्लादेशी रेफ्यूजी कहा जाता है रोहिंग्यास की बात की जाती है यू पेपर्स एंड टू दोग्राम स्ली मेड ए सिग्नल टू समन ऑफ स्टेज नाउ एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है जिसका कि मैंने आंसर भी लिखा है that what did तो जैसे ही फर्न मैन को बुलाया गया उसने सिग्नल किया क्राउड में कि तुम भी स्टेज पर आओ और वेल्स और एलिसन दो बच्चे दोनों आए और वो एक स्केलेटन को कैरी कर रहे थे राइट विद टुगेदर विद ऑफ गैलोस यानी कि गैलोस मतलब जिससे कि फांसी लगती है व्हेन दिस अरेंजमेंट को स्टेज पर सेटअप किया गया स्केलेटन आपने अपने बायोलॉजी लैब में देखा होगा स्केलेटन हैंगिंग फ्रॉम स्क्रूड ऑन टॉप ऑफ इट्स जिस तरह से स्केलेटन को हैंग किया जाता है जेंटली रिवॉल्विंग एट दर से स्केलेटन को हैंग किया गया एंड वो देख के बच्चे काफी आई मीन देरी ढाके लाके हंस रहे थे राइट सो इट वॉज यू नो पीपल ऑर काइंड ऑफ फीलिंग एटमोस्फेयर बिकेम ए लिटिल लाइट हार्टेड

Fernman began to speak. His voice was clear and precise, and he had a strong sense of the dramatic. stage He was talking with a dramatic flourish. There was confidence in his body language. He was confident with his diction, with the voice modulation, with the throw of the voice, right? And the way he was moving his hands, everything was very confident about him. And people, students, Kafi Dhyan say, Fernman ki baatoko right? Calmly he told them. शांत तरीके से उसने बताया कि ये एक फीमेल स्केलेटन है ओके एंड दैट वाज अ फैक्ट एंड इजली बी प्रूव बट ही कुड नॉट से नाउ यू सी द लार्जर पॉइंट दैट फर्न क्या बताना चाहता है कि यह एक फीमेल स्केलेटन है जिसका कि हम प्रूफ प्रस्तुत कर सकते हैं वी कैन प्रूव दैट इट्स ए फीमेल स्केलेटन लेकिन यह कहा नहीं जा सकता कि ये स्केलेटन चाइनीज स्केलेटन है फ्रेंच स्केलेटन है जर्मन है या ग्रीक है इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती इस बात को एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता इससे यह भी नहीं बताया जा सकता कि यह ब्राउन थी यानी कि वुमेन ऑफ कलर या व्हाइट थी राइट सो अगर आपसे रेसिज्म के बारे में पूछा जाए तो यह पॉइंट भी आप बता सकते हैं राइट पहले भी एक पॉइंट बताया गया राइट यहां पर भी आप वो ब्रदरहुड की जो मैंने पैराग्राफ को मार्क किया था यह बात भी आप यूज कर सकते हैं कि इस तरह का एक रेफरेंस किया Bones and उससे ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आप कौन से देश के थे या आपका रंग किस तरह का था राइट right? तो उस इन दोनों बेसिस पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करना बिल्कुल भी जायज नहीं है ओके okay?

आर आर ए पी ए रैप्ड अटेंशन ओके इस फेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फर्नमेन वॉज वंडरफुलर द मीटिंग आउट ऑफ हैंड मिस कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज समथिंग ऑफ एन एंटी क्लाइमैक्स इसके बाद मिस डेयर ने बात की कीफ्टर फर्नमेन्स परफॉर्मेंस एंड शी सीम टू रिलाइज इट बिकॉज वो इतनी अच्छी तरह से बात करके गया तो उसके बाद जब मिस डेयर की बारी आई बात करने की तो सबको लगा कि अरे यारन के बाद ये थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं थी पीपल मेक नो जैसे आपके पहले का रोल का रोल नंबर पेपर उसने हंड्रेड 100 100 स्कोर किया है उसके बाद आपका पेपर आया आपके पेपर में आपने नाइन्टी भी स्कोर किया होगा तो भी एग्जामिनर को लगेगा पहला वाला रोल नंबर बढ़िया था यू नो इससे ज्यादा अच्छा था दैट कंपैरिजन विल ऑलवेज बी मेड इन द माइंड उसी तरह का कंपैरिजन बच्चों के मन में भी आया राइट And and ट करें कि यू नो हमारे यहाँ पर ये बीमारी आई इसको हमने इस तरह से उसका छुटकारा पाया उसके खिलाफ लड़ने के लिए ये वैक्सीन का इस्तेमाल किया ये इन दवाइयों का इस्तेमाल किया अब दूसरे देश में सेम बीमारी आती है आप इस नॉलेज को इस ज्ञान को बांट सकते हैं ताकि उनको भी उससे सहायता मिले उनको पूरी तरह से सेम थिंग अगेन डिस्कवर ना करना पड़े इमिडिएटली मिल जाएगा वैक्सीन मिल जाएगा दवाई मिल जाएगी तो उनको मदद मिलेगी अपने लोगों को बचाने में राइट नेक्स्ट इज मिसी रिपोर्टेड ऑन द पीरियड ऑफ हिस्ट्री द क्लास स्टार्टेड द रिफोर्मेशन ऑफ इंग्लैंड इन इंग्लैंड शी टोल्ड ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ मैन ऑफ इंडिपेंडेंट स्पिरिट यानी कि जो

emphasizing the serious limitations of space obtaining and the effect of that limitation on their games activities yani ki jis tarah ka space available tha right aur usse unke games par kis tarah ka asar ho raha tha uske bare mein denham ne अपने भाषण में फोकस किया complained that the PT was ill-conceived. ill-conceived मतलब उसके उसको plan करने में ठीक से सोच नहीं डाली है और इसके वजह से it was very badly.

उस उसने कहा ये बेकार का टाइम वेस्ट है और ये करने में मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता है ओके ए जॉली गुड गेम वॉज फॉर बेटर इससे इसके बजाय ये होगा पीटी में ऑब्वियसली वो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर कराते होंगे विच ही फाउंड मोनोटनस तो डेनेम का कहने का मतलब ये है कि इसके बजाय ये बेहतर होगा कि हम कोई गेम खेले उससे फायदा ज्यादा होगा एंड He was talking on behalf of all the boys. Okay, so he was representing the opinion of all the boys who felt the same. Uh, because when he made these points, when he criticized the PT period, when the reports were over, Denham called two children at random from the audience. He just chose two students and asked them to write the name of each teacher, including the head, on a slip of paper. Now they would decide which teacher has to be called to. Respond to all the points the student representatives had made on behalf of all the students of the school. Now, in slips, four placed in a hat, juggled vigorously, and then withdrawn. So, draw of The names were called up Mr. Weston, Mrs. Dale Evans, Miss Phillips Denham, and Miss Joseph led the others off the stage, and the teachers took their seats. Okay. uh western big and uh, bushly, untidily between the two uh, women okay. then the questioning began i believe i would have gone a long way to see what followed it was an experience which i shall not easily forget the questions were mostly from the top two classes so junior classes ne baat nahi ki. Uh, uh, seniors nekushbadniky or कहता है कि मुझे काफी दिलचस्पी थी कि मैं अगर इसके लिए मेरे को लंबा रास्ता जाके भी देखना पड़ता तब भी मैं जाता टू शो दैट ही क्यूरियस टू नो व्हाट रियली ओके यंग चिल्ड्रन वर वेरी थोड़े डरे हुए थे टिमिड थे और टू अनफॉर्म उनको ज्यादा जानकारी भी नहीं थी To ask the questions. Okay, the teachers had no briefing. Teachers were also not prepared because nobody knew who would be called and were often caught out stammering in their indecision. But here again, I received a big surprise. The frilling, seemingly brainless Miss Ephemia Phillips proved to be the coolest and best informed of the three. Uh, she dealt with questions put to her with candor, candor matlab you know, very openly. And with a lot of frankness, she was able to answer the questions and would often intervene skillfully to assist one of the others without causing embarrassment. So she handled the questions very well. Note, Weston cut a ridiculous figure, the other teacher, in the face of Denham's blunt criticism and Fernman's adroit questioning. Adroit means, again, you know, with a lot of skill. He found himself completely nonplussed, confused, and tried to bluster, bluff. Karne ki

Denham was a trained boxer and insisted that such exercises were only advantages if practiced daily and for most sustained periods. So Denham ka, agar aapko character sketch, ho, to aapko ye bhi include Karna Padega. PT twice weekly for 20 minutes was a waste of time, he asserted. To ne, he kind of pointed to that fact. Once again, Miss Phillips took the reins and her stock promptly shot up a hundredfold. So Miss Phillips decided that she would defend the school on behalf of all the

जैसा कि हर स्कूल में होगा ऐसा नहीं होगा कि नो फॉर एवरीबडी लॉट सो सबको खुश करना पॉसिबल नहीं होगा ओके एंड देन शी सेट सम ऑफ यू ओके एंड लुकिंग एट डेनहम ओके विद इनोसेंट आईज ऐसा नहीं कि नो शी वाज़ टारगेटिंग हिम इन अ विशियस मैनर शी फिक्सिंग डेनहम विद इनोसेंट आईज शी सेट समू आर फॉर्चुनेट इन यूर ओन फाइन फिजिकल डेवलपमेंट की सम ऑफ यू आर वेरी हैविंग गुड फिजिक बिकॉज यू आर यू नो डूइंग समथिंग फॉर दैट लाइक बॉक्सिंग डू नॉट रियलीड द मीगर हेल्पिंग्स ऑफ पीटी तो तुमको पीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके okay? जो कि स्कूल में होगा बट इस बात का ध्यान हमेशा रखो कि स्कूल में बाकी लोग भी हैं जिनको शायद इस पी टी की जरूरत पड़ेगी ओके okay? सो so, हो सकता है कि और इसमें मैं उम्मीद करूंगी कि द ओल्डर बॉयज विल एक्चुअली हेल्प द स्कूल इन दैट रेस्पेक्ट लेकिन डेनहम बात नहीं माना डेनहम ने सोचा उसको शुग्रीब रिमार्क से उसको एक तरह से साइड किया जा रहा है तो उसने कहा तो हमको पीटी करने की जरूरत क्या है अगर इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है तो पीटी करने की जरूरत भला क्या है ओके वाई डोंट दे टेक ओनली द किड्स जो जिन बच्चों को जरूरत है उन्हीं को कराओ ना पीटी हमको क्यों कराते हो पीटी हफ्ते में दो बार बीस मिनट के लिए हमको फुटबॉल खेलने दो या और कोई गेम खेलने दो राइट इंस्टेड ऑफ डूइंग ए लॉट ऑफ डाफ थिंग्स डाफ थिंग्स मीन डम थिंग्स जिससे कि कोई फायदा नहीं होता है नाउ दिस वॉज अ पोजर नाउ ही वॉज ट्राइंग टू चैलेंज हर ही वॉज ट्राइंग टू अपोज ए क्वेश्चन टू हर लेकिन मिस फिलिप्स ने उसका भी सीधा जवाब दिया ओके हर बेबी ब्लू आई ट्विंकलिंग इन हर डिलाइट एट क्रॉसिंग ऑफ इस्टेव यानी कि उनके बीच बीच में जो वाद विवाद चल रहा था उसमें मिस फिलिप्स को भी अभी मजा आने लगा था लेट अस से इट एज मच ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ द माइंड एज इट इज ऑफ द बॉडी डेन है कि जो तुम पीटी करते हो दिस इज एस मच एन एक्सरसाइज ऑफ बॉडी शरीर के लिए एक्सरसाइज है ये तुम्हारे दिमाग के लिए भी एक्सरसाइज है okay? the whole in school, school में जो भी को बनाया गया है, डेवलप किया गया है इज मेंट टू हेल्प यू इन द वर्ल्ड आफ्टर यू लीव स्कूल स्कूल छोड़ने के बाद तुम कहीं पर भी काम करोगे उस जिंदगी उस जीवन के लिए भी ये फायदेमंद होने वाला है And doing what you are told, mark these words. This is important because that's how she kind of tells Denham. Doing what you are told in spite of not liking it. तो tumhare office mein hoga. Aapko bhi main यही बात batata रहा हूँ। काफी सारे बच्चों को होता है कि जो मैं चाहता हूँ वो होना चाहिए। माँबाप कर देते हैं, even though they may not approve, they sometimes end up doing it for the sake of the child, right? लेकिन व्हाट मिस फिलिप्स इस सेइंग इज डूंग समिंग इन स्पाइट ऑफ नॉट लाइकिंग इट इज ऑल्सो ए ट्रेनिंग बिकॉज तुम्हारे जो प्रोफेशनल जीवन में काफी सारे बातें होंगी वेन यू आर वर्किंग एज पार्ट ऑफ एन ऑफिस एटमोस्र वेन यू आर वर्किंग एज पार्ट ऑफ में बाई मेजोरिटी लाइक समथिंग एल्स यू मे नॉट लाइक इट बट बिकॉज दैट्स अ मेजोरिटी डिसीजन यू विल है तुम्हारे लिए ट्रेनिंग हो रही है टू डू थिंग्स इन स्पाइट ऑफ नॉट लाइकिंग इट ओके

Miss Phillips' smiled broadened. She was very happy that she had won the, uh, you know, one brownie points or that she had managed to, you know, ensure that what she said was accepted. This really innocent looking puss had gobbled her candry without leaving the tiniest feather. Referring to a cat, I presume, uh, eating the candy, Candry, as in a bird. Or, you know, a feather bhi bar nahi laga, to kisi ko pata bhi nahi chala ki, you know she had gobbled the canary canary is the name of a bird with uh, sings i began to understand how it was so slight a creature could cop cope so effectively uh, that how it was that so slight a creature someone who is not very big built or something could cope so effectively with her class babjush, she was able to effectively uh, deal with this kind of criticism. Soon after this, as the morning ended, the head went on to the stage and closed the proceedings, expressing his pride in all the children and deep appreciation of their efforts. Right. So with this, we come to the end of this particular uh, word meanings. So you'll not have any problems. So I hope Samajme aya, Maza aya, seek we mili, abhis kebat question and answers ko जो मैंने एक्सरसाइज दिया है उसको कीजिए ताकि आपको एग्जाम से पहले अपनी हैंडराइटिंग में वर्ड मीनिंग समझने में ज्यादा आसानी हो क्वेश्चन आंसर देखिए आई रिटर्न क्वेश्चन आंसर सम ऑफ देम आर शॉर्ट सम ऑफ देम आर लिटिल लॉन्ग सो दैट यू एन ओवरऑल आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टोरी ओके टाटा बाय बाय